हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सो डॉट 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 एज या फिर एज डॉट 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 एज, ये दोनों ही क्या है, कंजंक्शन है। और इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो देखिए ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जो जोड़े के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ठीक है, वेदर डॉट 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 और। तो ये जो सारे कंजंक्शन है इन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं आज के दोनों कंजंक्शन, मतलब कि सो डॉट 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 एज और एज डॉट 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 एज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हिंदी में मीनिंग निकलता है उतना ही या फिर जितना ही। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी अगर हम ये वाले कंजंक्शन यूज करेंगे तो हम क्या है, दो पर्सन के बीच में या फिर दो वस्तुओं के बीच में तुलना करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे। अब कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर हिंदी में, जैसे मैंने कहा कि वह उतनी होशियार नहीं है जितनी कि उसकी बड़ी बहन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी उसकी बड़ी बहन होशियार है उतनी वह होशियार नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, एक तरह से हम तुलना ही तो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वह उतना लंबा नहीं है जितना कि उसका बड़ा भाई, मतलब कि जितना लंबा उसका बड़ा भाई है वह उतना लंबा नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं। और जब हम एक कंपैरिजन करते हैं तब हम कौन सा कंजंक्शन का यूज करते हैं, सो डॉट 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 एज या फिर एज डॉट 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 एज। अब आप कहोगे अच्छा भाई ये तो आपने सब कुछ बता दिया कि जब कंपैरिजन हो, जब तुलना हो तो हम ये वाले दोनों कंजंक्शन यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों कंजंक्शन में से कौन सा कंजंक्शन यूज करना है। तो देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहां पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं की जा रही हो, तब हम यूज करते हैं एज डॉट 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 एज। फॉर एग्जाम्पल, तुमुल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुमुल है वो उतना ही होशियार है जितना कि उसका भाई। तो यहां पर क्या एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है यहां पर, विपुल इज एज वाइज एज हिज एल्डर ब्रदर, मतलब कि जो विपुल है वो उतना ही बुद्धिमान है, उतना ही समझदार है जितना कि उसका बड़ा भाई। तो यहां पर भी क्या एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब बात आती है निगेटिव सेंटेंसेस की, जैसे कि सोनी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर मदर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सोनी है वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि उसकी मम्मी या फिर माँ। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर, नीलू इज नॉट सो वाइज एज हर एल्डर सिस्टर, मतलब कि जो नीलू है वह उतनी वाइज नहीं है, उतनी चतुर नहीं है या बुद्धिमान नहीं है जितनी कि उसकी बड़ी सिस्टर। तो ये क्या है, ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सो डॉट 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 एज का यूज किया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पर मैंने दो छोटे छोटे कंजंक्शंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ना, ये ऐसी चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो बट आपका ध्यान नहीं जाता। और ये जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, यही लोगों की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, लोगों की पर्सनालिटी को एक इम्पैक्टफुल बनाती हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है, मेरी छोटी छोटी वीडियोज आती हैं, वो आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करें। मैं कुछ ऐसा कंटेंट देना चाहता हूं जो लोगों की लाइफ को, लाइफ में एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालें, एक वैल्यू प्रोवाइड करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है इससे, तो एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी आगे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं चैनल्स को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।